यह MacBook Air M2 एंड आज इसे मैं अपनापन वाला लुक देने वाला हूँ। क्या आप भी अपने MacBook के साथ कुछ इस तरीके से करना चाहते हो? तो बने रहिए वीडियो में। दिस इज माई निरोध एंड यू आर वॉचिंग iGeeks Blog हिंदी। सबसे पहले हम चेंजेस करेंगे इसके सेटअप में एंड ऑल्सो समवॉट इन अपीयरेंस, तो लेट्स डू इट। आप जो है अपने सिंगल फिंगर को टच आईडी में 3 बार जो है प्रिंट दे सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको अनलॉक करो बहुत ही एक्यूरेटली ये अनलॉक हो जाए। आप जो है मिमोजी पोज को सेटअप कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप गलत पासवर्ड को एंटर करते हो तो काफी अच्छा एक रिएक्शन मिलता है फ्रॉम दैट मिमोजी। नाउ इट्स टाइम कि आप अपने मैकबुक के ऊपर एक डार्क थीम्ड वॉलपेपर को यूज करो, ताकि जो मिडनाइट कलर है उसमें काफी ज्यादा अपीलिंग भी लगे। फॉर दैट गो टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, वहां पर से आप कोई भी डार्क थीम वॉलपेपर को सिलेक्ट करके यूज में ले सकते हो। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी डार्क वॉलपेपर है तो डेफिनेटली उसे भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड मेनू बार टिंट, जो कि आपके मेनू बार में एक अलग से टिंट ऐड करेगी जो भी कलर आप सिलेक्ट करके यूज करना चाहते हो। इसे सेटअप करना भी बहुत ज्यादा ईजी है, सिंपली डाउनलोड इट एंड यहाँ से आप इसमें से कलर सिलेक्ट कर सकते हो एंड पार्टीशंस को भी सिलेक्ट करके उस हिसाब से आप कलर्स को सेट कर सकते हो एंड दिस डेफिनेटली लुक्स कूल। अब बारी आ जाती है पॉइंटर के कलर को भी चेंज करने का। सिस्टम प्रेफरेंस में चले जाइए, फिर एक्सेसिबिलिटी, फिर डिस्प्ले एंड देन पॉइंटर्स, एंड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो इसके कलर को एंड ऑल्सो साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू एड सम एप्स एंड ऑल्सो विजेट्स। डाउनलोड कर ले डेस्कटॉप फ्लिप क्लॉक फ्रॉम एप स्टोर एंड दिस विल एड डेट टाइम ऑन योर डेस्कटॉप अदर देन मेनू बार। ये जो है डेस्कटॉप पे दिखता है तो देखने में भी ये काफी ज्यादा कूल लगता है। नेक्स्ट इज फ्लो फोकस। इस ऐप के मदद से आप जो है अपने काम को लेकर ज्यादा फोकस्ड रह सकते हो एंड जैसे ही आपका टाइमर खत्म होता है ये आपको नोटिफिकेशन भी दे देगा एंड टाइमर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सो स्टेइंग फोकस्ड एट सम वर्क विल डेफिनेटली हेल्प यू इस ऐप के थ्रू। वैसे मैकबुक एयर M2 में जो है हमें नॉच मिलता है, अगर आपको पसंद है तो वेल फाइन, अगर नहीं पसंद है तो उसे हाइड भी किया जा सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज टॉप नॉच ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए एंड वहां से आप हाइड कर सकते हो नॉच को सिंपली बाय टॉगलिंग इट ऑन एंड ऑफ। वेल क्यों ना हम डेस्कटॉप को थोड़ा और एडजस्ट करें, तो सिंपली शो व्यू ऑप्शन में चले जाइए एंड यहां पर से आप एडजस्ट कर सकते हो आइकन के साइज एंड ऑल्सो ग्रिड स्पेसिंग। नॉट जस्ट ओनली दैट बट यू कैन ऑल्सो एडजस्ट टेक्स्ट साइज एंड टेक्स्ट की पोजिशन को भी आप सेट कर सकते हो। सो अगर आपको लेफ्ट राइट चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए, जैसा भी चाहिए सब कर सकते हो इसके अंदर। अब आ जाते हैं डॉक सेक्शन की तरफ। डॉक के प्रेफरेंस में चले जाइए एंड यहां पर से आप एडजस्ट कर सकते हो साइज, पोजीशन एंड फ्यू मोर। जैसा भी आपको सही लगता है आप इसको एक्सप्लोर करके चेंजेस कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी काफी ज्यादा एक बेटर लुक आप इससे अचीव कर सकते हो। साइड में रखते हो तो भी आपके लिए अपीलिंग हो सकता है एंड इजी टू एक्सेस हो सकता है। नीचे रखते हो उसे हाइड कर सकते हो, एक अलग एनिमेशन दे सकते हो। एवरीथिंग विच यू कैन एक्सप्लोर, ट्राई इट नाउ एंड ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड शायद आपको नहीं पता बट फाइंडर में भी आप कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं। गो टू फाइंडर, कस्टमाइज टूल बार एंड यहाँ पर से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फाइंडर के ऊपर जो टूल बार सेक्शन है उसमें चेंजेस कर सकते हो। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो एड शॉर्टकट फोल्डर्स ऑन द साइड बार, तो अगर आपको ईजी एक्सेस चाहिए किसी भी फोल्डर का तो आप वहाँ पे एड कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। अपने मैक के सिस्टम प्रेफरेंस में चले जाइए, फिर कीबोर्ड एंड टर्न दिस टू शो इमोजी एंड सिम्बल्स। अगर बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो उसे वहाँ पर सिलेक्टेड रहने दीजिए, विच मीन्स कि आप अगर इस वाले की को सिंगल प्रेस करते हो तो आप इमोजीज को एक्सेस कर सकते हो। कहीं पर भी आप चैट कर रहे हो या फिर टाइप कर रहे हो तो इजीली आप इमोजीज को टाइप कर सकते हो यूजिंग दिस सिंगल की। एंड नाउ इनसाइड ट्रैक पैड स्क्रॉल एंड जूम वाले सेक्शन में जाइए, चेक मार्क कर दीजिए फर्स्ट ऑप्शन को जो कि है स्क्रॉल डायरेक्शन एज नेचुरल, विच मीन्स कि जब भी आप पेज को स्क्रॉल करते हो यूजिंग ट्रैक पैड वो जो है नेचुरल डायरेक्शन में ही हो, अप करते हो तो अप, डाउन करते हो तो डाउन। नाउ इट्स टाइम फॉर बैटरी। गो टू सिस्टम प्रेफरेंस, फिर बैटरी एंड यहाँ पर से आप चेक मार्क कर लीजिए स्लाइटली डिम ऑप्शन को, विच मीन्स कि आपका जो डिस्प्ले है वो स्लाइटली डिम हो जाएगा जब चार्जर कनेक्टेड नहीं रहेगा। यू कैन ऑल्सो चेक मार्क ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, विच मीन्स कि आपका जो बैटरी है वो ऑप्टिमाइज तरीके से चार्ज होगा, ज़्यादा जल्दी खराब होने के चांसेस इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब बात आती है बैटरी परसेंटेज कहाँ पर देखे, तो उसे भी सेटअप कर लेते हैं। सिस्टम प्रेफरेंस में जाइए, फिर डॉक एंड मेनू बार एंड इनसाइड बैटरी यहाँ पर से आप चेक मार्क कर लीजिए शो बैटरी परसेंटेज। अब जो आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज भी आपको मेनू बार में ही देखने को मिल जाता है। एंड दैट्स इट, आई होप अब आप जो है अपने मैकबुक को कुछ इस तरीके से अपने तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हो। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, जैसा भी आपको थीम पसंद है आप उस हिसाब से सेटअप कर सकते हो। वैसे मैकबुक M2 रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ iGeeks Blog ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट अबाउट एवरीथिंग एप्पल जानने को मिले। This is me Anirudh and I will meet you in the next one.